Good morning everyone, 5th class. Today is 15th of January और day है Friday. तो आज हम करेंगे revision में page number 139 से. Maths Magic का page number 139 जल्दी से open करके आप देख सकते हैं. यहाँ पे कुछ figure बनी हुए है, कुछ market में जो आपको कई सारी चीजें बताई गई है, जैसे कि eggs, जैसे कि watch है, जैसे कि soup, bags रखा हुआ है, matchbox रखी हुई है और कई सारी चीजें रखी हुई है with price, ठीक है, price भी उनके साथ लिखा हुआ है, ठीक है. तो अरुण है वो मार्केट में गया और उसने कई सारी चीजें जो वो खरीदी और तो कितनी कॉस्ट आई उसको, तो यहाँ पे थर्ड में जो वो यहाँ पे कॉस्ट के बारे में लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर फोर में जो वो कॉस्ट से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन उसने पूछा है, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है. तो हमें जो वो पिछले वाले जो सिंपल क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं, तो उसी दशा में आपको बता दूं कि उसकी जो भी कॉस्ट आई, जितना उसने सामान खरीदा होगा तो उसकी जितनी भी कॉस्ट आई वो आई 8.75 रुपीज, ठीक है. हाउ मेनी रुपीज डज द शॉप कॉस्ट, ठीक है, द शॉप कॉस्ट रुपीज 8.75 रुपीज, ठीक है, 8.75 रुपीज उसके लगे होंगे, ठीक है, ठीक है. ये तो हम देख लेंगे, जब हम डायग्राम में देखेंगे तो हमें पता लग जाएगी कितनी कितना कॉस्ट आया, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. अरुण वांटेड टू बाय अ शॉप, ठीक है, अरुण जो वो शॉप में गया कुछ खरीदने, ही हैज 5 रुपीज कॉइन, उसने जो उसके पास जो 5 रुपीज का कॉइन है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 रुपीज का उसके पास एक कॉइन है, 2 1 रुपीज कॉइन है, ठीक है, 2 1 1 रुपीज के कॉइन है, मतलब कि 2 रुपीज है उसके पास, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, मतलब कि 2 1 1 रुपीज के कॉइन है तो 2 रुपए हुए उसके पास. एंड 4 1/2 रुपीज कॉइन, ठीक है, हाफ और हाफ होता है 1, तो 4 1/2 है तो उसका मतलब है 2 रुपीज हो गया, मतलब कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है 4 × 1/2, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई 100 क्योंकि ये पैसे में दिया है तो 100 रुपीज में चेंज करेंगे तो 4 2 जा, तो यहाँ पे 2 रुपीज यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है. तो उसके पास कुल कितने रुपीज थे, ठीक है, तो 5 हो गए, यहाँ से 2 निकल जाएगा, 5 और 2 कितने हुए, 5 6 7, और यहाँ पे 6 7 और 2 हुए 9, ठीक है, तो उसके पास टोटल 9 रुपीज है, ठीक है. तो यहाँ पे राइट इन रुपीज, तो इसने बोला कि रुपीज में लिखिए व्हाट मनी ही विल गेट बैक, ठीक है, तो उसको कितना जो वो वापिस मिलेगा शॉप से, ठीक है. तो अरुण हैज टोटल मनी, तो मैंने आपको बता दिया कैसे जो 5 रुपीज कॉइन, 2 1 रुपीज कॉइन है और 4 1/2 रुपीज कॉइन है, तो 5 रुपीज कॉइन 1 × 2, ठीक है, क्योंकि 1 1 जो वो 1 1 के उसके पास जो वो रुपीज के कॉइन थे, ठीक है. उसके उसने बाद उसने बोला था कि 4 जो वो 1/2 1/2 रुपीज के उसके पास कॉइन थे, ठीक है, तो 4 × 1/2 तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 4 2 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2, तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा 5 2 2, 5 और 2 हो गए 7 7 और 2 हुए 9, तो कॉस्ट कितनी थी उसकी 8.75, 8. मतलब कि इसका मतलब हुआ 8.75 रुपीज, तो 9 में से 8.75 रुपीज उसने जब वो उसकी कॉस्ट आई पूरी जो भी उसने खरीदा, ठीक है, तो उसको कितने वापिस मिलेंगे, ठीक है, तो 9 में से माइनस कर देंगे 8.75 रुपीज, ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो 25 पैसे यहाँ पे आंसर आ जाएगा. इसको जो अब आप रफ कॉपी पर साइड में सॉल्व करें, ठीक है. 5 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, एन एग कॉस्ट 2 1/2 रुपीज, एग की जो कॉस्ट है वो है 2 1/2, मतलब ये 2.5 रुपीज, ठीक है, 2 1/2 रुपीज है. हाउ मच विल 1 1/2 डजन कॉस्ट, ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. पहले तो 1 डजन में कितने होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो वैसे ही 1 डजन में कितनी आइटम्स होती है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि केले जो बनानास होते हैं, मतलब कि 1 डजन दे दो, ठीक है, तो मतलब कि वो 12 देगा, ठीक है, 2 डजन मांगेंगे तो 12 × 2 = 24, 3 मांगे तो 36 के लिए आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है. वैसे ही मतलब कि 1 डजन जो वो कितने आइटम के बराबर होता है, तो 12 आइटम के बराबर होता है, ठीक है. इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि केले जो वो बड़े हैं छोटे हैं, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है, उसके प्राइस पर डिपेंड करता है, ठीक है. तो 1/2 डजन कितने का हुआ, 12 को 2 से डिवाइड करिए, हाफ या तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब वही है कि 2 से डिवाइड करिए, 1/2 × 12, तो 12 × 12 = 12 / 2, मतलब कि 6, 2 से 12 कट जाएगा तो 6 बच जाएगा, ठीक है, 2 × 2, 6 × 2 = 12, यहाँ पे आ जाएगा 6, मतलब कि 1/2 डजन में कितने आ जाएंगे, 6. सिंपल जैसी बात है, 1 डजन जो वो 12 आइटम के बराबर होता है, तो हाफ कितने का बराबर होगा, 6 के बराबर, ठीक है. तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि
वन एंड हाफ डजन कितने होंगे, तो वन एंड हाफ डजन कितने होंगे, वन हो गया 12 और हाफ हो गया 6, 12 और 6 हो गया 18, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन एग, एक एग की कितनी कॉस्ट है, 2.50 रुपीज, या तो हम लोग बोल सकते हैं 2.05 रुपीज, ठीक है, 2.50 रुपीज, सॉरी, ठीक है, 2.50 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 18 एग, क्योंकि वन एंड हाफ डजन पूछा था तो 18 एग का निकालना पड़ेगा, तो 18 एग का निकालेंगे, तो एक एग का निकाल लिया 2.50 जो कि गिवन था, तो 18 का कितना हो जाएगा, 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 2.50, तो ठीक है 18 × 2 और 18 × 0.50, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो यहाँ पे निकल जाएगा। वैसे जो सेकेंड मेथड यहाँ पे बताया गया है वो काफी ईजी मुझे तो लग रहा है, ठीक है। तो 18 को 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है, क्योंकि पॉइंट हटाया तभी तो 100 आया, कि जीरो से जीरो कैंसिल हुई, यहाँ से 10 से जो वो 25 कट जाएगा, तो इसको जो वो 5 से काटते हैं, 5 2 जा और 5 5 जा, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 से 18 कट जाएगा 9, और यहाँ पे 9 और 5 बच रहा है, 9 5 जाओ, बीच में मल्टीप्लाई है, तो 9 5 जा हो गया 45, तो 45 रुपीज उसको लगेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैसे किया हुआ है तो उसको भी समझिए, 18 2 जा 2 रुपीज थे, तो 18 2 जा कितना हो गया, 36 हो गया। अब देखिए 18 को 18 × 0.50 है, ठीक है, इसको कैसे मल्टीप्लाई किया होगा, तो इसको वैसे किया होगा 18 × 50/100, ठीक है, तो 5/10 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है, 50 1 जा 50 15 2 जा 100 हो गया 1/2, और 2 से 18 कट जाएगा तो 9 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, दोनों मेथड में जब वो 45 45 भी आएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इन क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।